फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। मैं विनय कुमार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर लाइक एसएससी जीएन की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वेटेज काफ़ी कम होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम लोग इस सीरीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हमने सिर्फ एक ही वीडियो इसके लिए तैयार किया, जिसके अंदर हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम लोग कवर करने नहीं जाएंगे, लेकिन उससे वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इन वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में, उसके बाद में बात करूंगा मैं फोरकास्टिंग के बारे में, और कुछ एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के भी देखेंगे, और उसके बाद में कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर क्यूइंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना कि इसके अंदर सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग रिकॉल कर सकते हैं अगर एग्जाम में हम लोग बैठने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अगर हम लोग बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस, तो इस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हमारे पास में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, और कौन सा वो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्शन की बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें, तो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना हमारा हमेशा फोकस रहता है कि जहां पर ना तो हमें किसी तरह का कोई लॉस हो, ना ही हमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो। तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हो, ना ही कोई लॉस हो हमें, उसे बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट का एनालिसिस या उस पर्टिकुलर एनालिसिस को हम लोग इस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कॉस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लाइक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर के अंदर बताया जाएगा डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो किसी भी मटेरियल को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होंगे, वो सारी कॉस्ट इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है, बेसिकली उसे बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम लोग बात करेंगे वो जितने भी हमारे पास में इंडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, जितने भी हमारे पास में लाइक इंडायरेक्ट लेबर रहेंगे, इंडायरेक्ट मटेरियल रहेंगे, वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर कंसिडर करते हैं। जो तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास में, तीसरी कॉस्ट होती है बेसिकली, उसे बोला जाता है यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, बेसिकली डायरेक्टली इन दोनों का जो एडिशन होता है उसी को क्या बोला जा रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा डायरेक्ट मटेरियल लगा जिससे वो प्रोडक्ट बना, और कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल का वहां पर रोल रहता है। बेसिकली वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट जो भी कॉस्ट रहेगी, डायरेक्ट जो भी हमारे पास में एक्सपेंसेस रहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर रहने वाले, बेसिकली उसे हम लोग कंसिडर करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये टोटल कॉस्ट होती है फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाली, इसे बोला जा रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। जो चार नंबर पॉइंट आता है, बेसिकली चार नंबर कॉस्ट जो हम लोग कंसिडर करते हैं, उसे बोला जा रहा है यहाँ पर टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट प्लस लाइक अगर हमारे पास में किसी तरह की कोई मार्केटिंग कॉस्ट आई हो, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एटसेट्रा। इस तरह की जो भी कॉस्ट रहेगी, उसको हम लोग जैसे फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे, बेसिकली हम लोग उस प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास में पांच नंबर जो पॉइंट आता है, बेसिकली उसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट। और इस सेलिंग कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो बेसिकली ये कंप्लीट एनालिसिस है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। जब ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेंगे, तो हम लोग इस टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली कॉस्ट आती है हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट आती है हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट, तो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्स
रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट और ये एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट। तो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही हो तब भी कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बेसिकली इसे बोला जा रहा है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एफ। जो दूसरा कॉस्ट आता है हमारे पास में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर इंक्रीज करने वाली है बिल्कुल कॉस्ट भी उसके साथ इंक्रीज करेगी, बेसिकली इसे बोला जा रहा है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी डॉट एक्स, बेसिकली ये हमारा कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सेलिंग कॉस्ट कैपिटल एस की बात की जाए तो उसे लिखा जाता है यहाँ पर फिक्स्ड प्लस वेरिएबल प्लस प्रॉफिट। तो पहला जो रिलेशन हमारे पास में आ रहा है उसे कुछ इस फॉर्म में हम लोग मेंशन करते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स कैपिटल एफ फिक्स्ड, क्योंकि इनिशियल जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इस कैपिटल एफ के अंदर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिट से टोटली इंडिपेंडेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वी डॉट एक्स और ये आ गया हमारे पास में प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला जो रिजल्ट हमारे पास में आया बेसिकली उस रिजल्ट को हम लोग कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस कैपिटल एस इज इक्वल टू एफ प्लस वी प्लस पी को अगर हम लोग मैथमेटिकली लाइक जो पॉइंट हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, पॉइंट कौन सा हमारा हम लोग बात करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर जहां पर हमें ना तो कोई लॉस हो ना ही हमें प्रॉफिट हो, अगर इस पी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस पी की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें इस सिस्टम के अंदर इस गिवन डेटा के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है। लेकिन हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना ही हमें किसी तरह का कोई लॉस हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूं फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जीरो। तो आप बोल सकते हो कैपिटल एस इज इक्वल टू एफ प्लस वी, सो फाइनली एस एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस वी एक्स। तो आप यहां से बोल सकते हो एक्स कौन सा एक्स, ब्रेक इवन पॉइंट, ये होता है कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। तो बेसिकली ये हमारे पास में ब्रेक इवन के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। तो हमने देखा कि इस ब्रेक इवन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है वो भी आपको बताई गई है, किस तरीके से ये कॉस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट के साथ वैरी करती है वो भी आपको बताई गई है, और ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ब्रेक इवन कर्व के बारे में। तो बेसिकली अगर इस एक्सिस पर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो और इस एक्सिस पर नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली अगर आप टोटल कॉस्ट को डिफाइन करना चाहो तो टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है हमारे पास में, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट की लाइन जा रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेलिंग कॉस्ट तो कुछ इस तरीके से यहां पर सेलिंग कॉस्ट जा रही होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ प्लस वी एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एस एक्स। तो एक पॉइंट यहां पर हमें मिल रहा है जहां पर ये सेलिंग कॉस्ट और फिक्स प्लस वेरिएबल मतलब टोटल कॉस्ट बराबर हो रही है, बेसिकली इसी पॉइंट को बोला जाता है यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखा जाए, लाइक इस ऑब्जर्वेशन को अगर मैं यहां पर बताना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर ऑफ यूनिट एक्स, तो मैं बोल सकता हूं ब्रेक इवन अगर यहां पर मिल रहा है तो बेसिकली ये सेक्शन कौन सा है, इसे बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। बेसिकली ये जो पार्ट है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ब्रेक इवन को कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर इफेक्ट करते हैं। तो आप बहुत आसानी से इसमें देख के बता सकते हो, लाइक जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आप बोल सकते हो, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आप क्या बोल सकते हो कि इस जगह पर ना तो हमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा ना ही कोई लॉस हो रहा, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट। लेकिन अगर यहां से पहले आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखो सेलिंग कॉस्ट तो यहाँ रहेगी लेकिन टोटल कॉस्ट ऊपर, इसका मतलब हमें इस सेक्शन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है लॉस, इस सेक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ब्रेक इवन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप काफी आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इस सेलिंग कॉस्ट के स्लोप को बढ़ा देते हो, इसका मतलब सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देते हो, तो बेसिकली ये जल्दी इंटरसेक्ट करेगा और ब्रेक इवन हमें क्या मिलेगा जल्दी। तो पहला पॉइंट, अगर आपको ब्रेक इवन जल्दी चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो तो यहाँ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम कर सकते हो, क्योंकि कम करोगे तो जल्दी इंटरसेक्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिक्रीज कर दोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारे पास में जल्दी मिल सकता है। तो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करने वाले हैं वो हम लोगों ने इस छोटे से पार्ट के अंदर देखा है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो दूसरा पार्ट हमारे पास में
जो दूसरा पार्ट हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है इन्वेंट्री, बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री के अंदर वो कौन सी कॉस्ट है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जब इन्वेंट्री का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो इस इन्वेंट्री के अंदर हम लोग चार कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर पहली कॉस्ट आती है हमारे पास में परचेजिंग कॉस्ट। जो पहली कॉस्ट आती है हमारे पास में वो कौन सी कॉस्ट होती है यहाँ पर? परचेजिंग कॉस्ट। अब ये परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है? परचेजिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि आप कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो और उसकी वजह से आपको कितना पैसा वहां पर पे करना पड़ रहा है। तो यहां पर परचेजिंग कॉस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। तो डेफिनेटली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? परचेजिंग कॉस्ट। जो दूसरा कॉस्ट आता है आपके पास में, बेसिकली उसे बोला जा रहा है यहां पर ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट भी हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हमारी इन्वेंटरी है उसको कहीं बाहर से मंगवा रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप खुद से वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में वहां पर सेटअप कॉस्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर एक सिस्टम की बात करें तो या तो वहां पर ऑर्डरिंग होगा या फिर वहां पर सेटअप कॉस्ट हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो हम लोग बोल सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अगर हम लोग वहां पर इन्वेंट्री कैरिंग की बात कर रहे हैं, लाइक कहीं से भी आपने इन्वेंट्री ऑर्डर की होगी तो डेफिनेटली उसे होल्ड करना पड़ेगा और होल्ड करने में जो भी कॉस्ट हमारी यहां पर लगने वाली होगी उसे क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्री होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। एक फोर्थ पार्ट आता है कि अगर आप अपने मॉडल के अंदर, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम के अंदर शॉर्टेज अलाउ करते हैं तो वहां पर चार नंबर एक शॉर्टेज कॉस्ट भी आपको सिस्टम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो नंबर फोर आएगी यहां पर शॉर्टेज कॉस्ट। तो आप बोल सकते हो कि ये चार कॉस्ट है जो इन्वेंट्री के अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इन्वेंट्री मॉडल के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो अगर आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी कॉस्ट है जिसके जिसके बारे में आप डील करने वाले। तो आपने यहाँ पर चार कॉस्ट कंसिडर की है, परचेजिंग, ऑर्डरिंग, होल्डिंग और शॉर्टेज कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप इन्वेंट्री के अंदर बात करोगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वर्बली आप हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, लाइक इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री हमारे पास में जो पहला केस हम लोग देखना चाहें यहाँ पर पाइपलाइन इन्वेंट्री, ट्रांजिट इन्वेंट्री। लाइक अगर इन्वेंट्री हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन में है तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, बेसिकली इस टाइप के इन्वेंट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट इन्वेंट्री। बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक, हम लोगों ने सुना बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसी इन्वेंट्री जिसको आपने एडवर्स कंडीशन के लिए अपने पास में रखा हो। एडवर्स कंडीशन का मतलब जब लीड टाइम हमारे पास में क्या हो जाता है? जरूरत से ज्यादा हो जाता है, या फिर जो डिमांड होती है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। डिमांड जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे पास में कहीं ना कहीं पर शॉर्टेज आएगी तो उसको कवर करने के लिए हम लोग वहां पर बफर रखते हैं। दूसरा है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर रिसीव करने तक के बीच का जो टाइम रहता है बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? लीड टाइम। किसी रीजन से अगर ये ड्यूरेशन बढ़ जाए तो हम लोग बैकअप के लिए एक स्टॉक, एक इन्वेंट्री वहां पर रखते हैं, बेसिकली उसे क्या बोला जाता है? बफर स्टॉक। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं इन्वेंट्री के अंदर जो वर्बली अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में कभी कभी वो डायरेक्टली हमसे पूछ ले जाते हैं, लाइक इन्वेंट्री कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमसे पूछ ले जाता है इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। इन्वेंट्री कैरेक्टरिस्टिक में जो पहला पॉइंट आता है वो होता है इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। अब इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम का क्या मतलब है, लाइक आप इन्वेंट्री किस तरीके से रिव्यू करते हो? तो ये दो तरीके से रिव्यू की जाती है। सबसे पहले आती है हमारे पास में फिक्स्ड पीरियड इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम, दूसरा आता है फिक्स्ड क्वांटिटी इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। फिक्स्ड पीरियड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप रिव्यू करेंगे, और फिक्स्ड क्वांटिटी मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद में रिव्यू करेंगे। लाइक कुछ लोग अपनी इन्वेंट्री 7 दिन में रिव्यू करेंगे तो ये हमारे पास में फिक्स्ड पीरियड हो चुका है। कुछ लोग अपनी इन्वेंट्री रिव्यू करते हैं जब वो 50% खत्म हो जाती है तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी रिव्यू सिस्टम हो चुका है। तो फिक्स्ड क्वांटिटी मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, अगर आप बात करोगे फिक्स्ड पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है डिमांड के ऊपर कि डिमांड कैसी है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब वो इन्वेंट्री जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर की डिमांड, लाइक बोल सकते हैं कस्टमर कितने आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इसे प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग फोरकास्टिंग काम में लेते हैं। अगर डिपेंडेंट की बात करोगे तो जनरली क्या होता है, लाइक
कुछ छोटी इन्वेंट्री होती है जो एक बड़ी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो डिपेंडेंट का मतलब एक ऐसी इन्वेंट्री जो किसी दूसरी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी इन्वेंट्रीज जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो एक बड़ी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक कार की बात करेंगे तो कार की जो डिमांड है, कार शोरूम के अंदर कार की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कार के अंदर जो व्हील्स लगेंगे उनकी डिमांड उन कार की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है और इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। लाइक अगर चार कॉस्ट हमारे पास में आ चुकी है तो इन कॉस्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मॉडल नंबर वन एसएससी के अंदर बेसिकली ज्यादा डिटेल में बात की नहीं जाती क्योंकि हमने देखा कि बहुत रेयर ही क्वेश्चन इसका देखने को मिला है। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक मॉडल की बात करेंगे। जो बेसिक मॉडल आता है वो आता है हमारे पास में ईओक्यू मॉडल। इस ईओक्यू मॉडल के अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आप, क्योंकि हमको एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइक अगर आप यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब अगर एक साथ बहुत ज्यादा ऑर्डर कर देते हो उससे क्या होगा कि वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब आप उसे होल्ड करने जाओगे तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसे कंडीशन में आप सोचो कि नहीं यार ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करें, तो हमने सोचा कि वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जा रहे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अगर होल्डिंग कॉस्ट कम करने जा रहे हैं लाइक छोटे छोटे ऑर्डर्स में अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इनके बीच में एक बैलेंस बैठाने के लिए एक ऑप्टिमम कॉस्ट के रेफरेंस में हमने जो पहला मॉडल दिया है उसे बोला जा रहा है बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोल रहा है कि अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो बेसिकली टोटल कॉस्ट को अगर मिनिमम रखना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को, टोटल एनुअल कॉस्ट को अगर मिनिमम रखना है तो आपको क्यू स्टार के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ये क्यू स्टार हमारे पास में कितना होता है, 2DC0/CH। बेसिकली इस क्यू स्टार के अंदर हम लोग ऑर्डर बाहर से प्लेस कर रहे हैं, हमने किसी तरह की कोई शॉर्टेज अलाउ नहीं की है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए क्यू स्टार फाइंड किया जा रहा है तो ये क्यू स्टार कितना आएगा, √2DC0/CH। हमें बताया भी गया है कि यहाँ पर अगर हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC स्टार की बात करेंगे तो बेसिकली ये TIC स्टार होता है 2DC0/CH। बेसिकली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को बता रहा है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब इसके अंदर परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पर टोटली इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ यूनिट से। क्लियर, नंबर ऑफ पर ऑर्डर में, एक ऑर्डर में हम लोग कितने यूनिट्स यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं बेसिकली उससे टोटली इंडिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें एक बेसिक सिंपल ईओक्यू मॉडल की तो उसके अंदर जो क्यू स्टार होता है कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन किया था और TIC हमारे पास में था 2DC0/CH। दूसरे मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो मॉडल नंबर टू के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर फाइनाइट रेप्लेनिशमेंट रेट की बात की जाए, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास में ऑर्डर आया तुरंत हमारे पास में जो स्टॉक था वो क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं प्रोडक्शन अगर मैं खुद से करूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर जो रेप्लेनिशमेंट रेट रहेगी वो फाइनाइट रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो क्यू स्टार दिया जाता है यहाँ पर, ये क्यू स्टार हमें दिया जाता है, क्यू स्टार इज 2DC0/CH। अगेन यहाँ पर जो D है वो हमारे पास में टोटल एनुअल डिमांड, अगर हम लोग एनुअल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये किसको बता रहा है यहाँ पर, होल्डिंग कॉस्ट। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो क्यू स्टार हमारे पास में आने वाला वो कितना आएगा, 2DC0/CH डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर P/P-D। ये जो P हमारे पास में है ये प्रोडक्शन रेट को बता रहा है और ये जो D हमारे पास में डिमांड रेट को बता रहा है। तो दोनों की जो यूनिट है वो बेसिकली सेम होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर फाइनाइट प्रोडक्शन रेट की आप बात करोगे तो बेसिकली जो क्यू स्टार दिया जाएगा वो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर TIC स्टार की बात करोगे, लाइक टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वो भी ऑप्टिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये दिया जाएगा 2DC0/CH और यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलेगा P-D/P। नेक्स्ट अगर हम लोग एक मॉडल नंबर 3 की भी यहाँ पर बात करें तो मॉडल नंबर थ्री के अंदर हम लोग शॉर्टेज भी अलाउ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर शॉर्टेज अलाउ करोगे तो बेसिकली जो क्यू स्टार का फॉर्मूला है, ये क्यू स्टार का फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा 2DC0/CH और यहाँ पर हमें मिलेगा CB। ये बैक ऑर्डर कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट भी हम लोग इसे मान सकते हैं, यहाँ पर CH/CB। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे TIC स्टार, तो बेसिकली ये जो TIC स्टार दिया जाएगा ये आएगा 2DC0/CH और यहाँ पर आएगा CB/CB+CH। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास में
और इस इन्वेंट्री पार्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि यहाँ पर जो मॉडल नंबर वन है, बेसिकली जो मॉडल नंबर वन हमारे पास में ये बता रहा है यहाँ पर क्यू स्टार एंड टी आई सी स्टार किस कंडीशन में, जनरल कंडीशन लाइक आपके पास ना तो कोई शॉर्टेज रहेगी ना ही किसी तरह की कोई इनफाइनाइट रेप्लेनिशमेंट रेट आप इसमें कंसिडर कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन रेट आपके पास में अवेलेबल नहीं है। मॉडल नंबर टू की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर आपने फाइनाइट प्रोडक्शन रेट कंसीडर किया, फाइनाइट रेप्लेनिशमेंट रेट की अगर बात करोगे तो ऐसी कंडीशन में एक प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्यू स्टार स्लाइटली चेंज हो जाएगा। अगर आप बात करोगे टी आई सी स्टार तो यहाँ पर जो टी आई सी स्टार है उसके अंदर भी ये पार्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे यहाँ पर मॉडल नंबर थ्री जिसके अंदर आपने शॉर्टेज भी कंसिडर किया तो यहाँ पर एक कॉस्ट फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया दोनों पार्ट के अंदर। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेंट्री मॉडल को हम लोग इसके अंदर डील कर रहे हैं। इन्वेंट्री मॉडल लाइक अगर हमें पूछा जाए क्यू स्टार कितना है तो बेसिकली यहां से हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं, लेकिन हमें ये बात को समझना है कि एसएससी जेएन के अंदर इतना टाइम हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता कि लाइक उसके अंदर हम लोग ये सब चीजें कैलकुलेट करके बता सके, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाने के चांसेस वहां पर ज्यादा होते हैं। तो ये तीन मॉडल है जिसको हम लोग जेएन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे चले तो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ में मैनेजमेंट का भी एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक एबीसी एनालिसिस क्या होता है। तो एबीसी एनालिसिस के अंदर बेसिकली इन्वेंट्री को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी ए है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि उन इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है जिनका ओवरऑल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% पार्ट हो और जो कॉस्ट होती है वो ओवरऑल इन्वेंट्री का 70% होता है। बी के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट को रखते हैं जो टोटल इन्वेंट्री का 20% है लेकिन कॉस्ट भी यहाँ पर 20% ही है। ऐसे में जो सी कैटेगरी है उसके अंदर हम लोग रखते हैं उन प्रोडक्ट को जो टोटल इन्वेंट्री का 70% है लेकिन कॉस्ट वहाँ पर टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% कॉस्ट है। तो ये एबीसी एनालिसिस भी एग्जाम के अंदर बहुत बार हमें देखने को मिलता है, एसएससी जेईएन में तो नहीं देखने को मिला लेकिन इस तरह के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इस एबीसी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर ये पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर हमारे एग्जाम के अंदर इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो पॉइंट है हमारा फोरकास्टिंग। अगर मैं बात करूंगा यहां पर फोरकास्टिंग के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होता है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग पॉइंट्स के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। लाइक हमें पता होना चाहिए फोरकास्टिंग क्या होता है कि यहां पर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो भी फ्यूचर सेल्स के लिए प्रिडिक्ट करते हैं उसी को फोरकास्टिंग बोला जा रहा है। तो अब ये फोरकास्टिंग कितने टाइप की होती है ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली फोरकास्टिंग को हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फोरकास्टिंग है आपके पास में सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग और दूसरी फोरकास्टिंग है आपके पास में ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग। तो आप बोल सकते हो कि जो फोरकास्टिंग है आपके पास में उसको आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो फर्स्ट अगर आप यहां पर मेंशन करते हो फोरकास्टिंग तो बेसिकली इसको आपने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास में आती है यहां पर सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग, सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग, और सेकंड कैटेगरी आपके पास में आती है यहां पर ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग। ये जो सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग है बेसिकली इस फोरकास्टिंग को या इस तरह के फोरकास्टिंग को क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग भी बोला जाता है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। जो ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग है बेसिकली इस तरह की फोरकास्टिंग को हम लोग यहां पर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। बेसिकली अगर हम लोग बात करें सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, इस तरह की फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास में हम लोग जिस प्रोडक्ट के लिए फोरकास्टिंग करते हैं वो प्रोडक्ट पहली बार हमारे सामने आया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रोडक्ट के लिए आपने पहले कभी भी फोरकास्टिंग नहीं की होती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास में फोरकास्टिंग की जा रही है ये एक न्यू प्रोडक्ट के लिए, जो भी हमारे पास में नया प्रोडक्ट आएगा उसके लिए हम लोग फोरकास्ट करेंगे। अगर नया प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है, 2 to 5 years अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में प्रीवियस डेटा अवेलेबल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे लिए ओल्ड एग्जिस्टिंग फोरकास्टिंग है, ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए फोरकास्टिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइक इसके अंदर हमें दिया गया 2 to 5 years, तो ये जनरली हमारे पास में 1 to 3 years या बोल सकते हैं 1 to 2 years के लिए रहती है। तो एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव ये हमारे पास में शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन फोरकास्टिंग हमारे पास में रहेगी।
अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हम लोग इस कैटेगरी के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास में इसके अंदर जो पहला ऑप्शन आता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे, ओपिनियन सर्वे के अंदर क्या होता है, यहां पर ओपिनियन सर्वे के अंदर हम लोग हमारे जो भी रिटेलर होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे जो भी उनका फीडबैक होता है, लाइक उनसे हमसे उनसे पूछा जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में किसी तरह की कोई डिमांड है या नहीं है, मतलब उनके रिव्यू लिए जाते हैं। जो दूसरा हमारे पास में इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है वो होता है मार्केट ट्रायल। एक छोटा सा ट्रायल हम लोग मार्केट के अंदर, लाइक एक सैंपल बोल सकते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद में उसका फीडबैक लिया जाता है। जनरली मार्केट ट्रायल छोटे यूनिट्स के लिए जिनका कॉस्ट कम होता है उनके ऊपर किया जाता है। बेसिकली जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है उसे बोला जा रहा है यहाँ पर मार्केट रिसर्च। मतलब हम लोग एक थर्ड एक्सटर्नल तीसरी पार्टी को ये रिसर्च का काम देते हैं, जो कि क्या करता है वहाँ पर हर एक कस्टमर से उनका फीडबैक लेता है, उनका ओपिनियन लेता है, उनके रिव्यू लेता है कि वहाँ पर लाइक कस्टमर से रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है जो इस सब्जेक्टिव फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास में ज़रूरी है, या फिर बोल सकते हैं इसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन आता है बेसिकली ये हमारे पास में डेल्फी टेक्निक। बेसिकली जो डेल्फी टेक्निक है इसके अंदर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पर रखते हैं जो कि फोरकास्टिंग के अंदर हमारे लिए मदद करते हैं। तो बेसिकली ये चार ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है इस सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के लिए। इनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग को भी हम लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो पहली कैटेगरी आती है वो हमारे पास में टाइम सीरीज। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर इसी टाइम सीरीज की बात होती है। जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास में इकोनोमेट्रिक मैथड्स, लाइक इसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन मेथड के बारे में, जो कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। ये जो टाइम सीरीज है बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब ये टाइम सीरीज के अंदर कौन कौन सा मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास में पहला मेथड अवेलेबल है इसके अंदर वो है सिंपल एवरेज। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास में पिछले 10 साल के डेटा अवेलेबल होते हैं तो उन 10 साल के डेटा का हम लोग क्या करने वाले हैं वहाँ पर एवरेज लेने वाले हैं। तो जो हमारे पास में जितने भी पुराने डेटा है उनका अगर हम लोग मीन ले लेते हैं तो बेसिकली वही हमारे पास में क्या होगी फोरकास्टिंग। ये हमारे पास में पहली टेक्निक है इस टाइम सीरीज के अंदर फोरकास्टिंग करने की। अगर मैं बात करूं दूसरी टेक्निक, तो इसने बताया कि दूसरी टेक्निक में आप मूविंग एवरेज मेथड की बात करोगे। मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है यहां पर, इस मूविंग एवरेज मेथड के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है और उन पुराने डेटा लाइक 4 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, 5 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, और उनका सिर्फ एवरेज लेना पड़ता है जो हमें फाइनल फोरकास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा मेथड वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, और फोर्थ मेथड होता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियली स्मूथिंग मेथड। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इन मेथड्स के बारे में बताता हूं। एक एग्जांपल की मदद से मैं टाइम सीरीज के अंदर जो भी हमारे पास में मेथड्स अवेलेबल है उन मेथड्स को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है लाइक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में कुछ डेटा अवेलेबल हो, लाइक 2021 के लिए अगर हमें फोरकास्टिंग करनी हो तो हमने देखा 2020 के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल है 1000 डिमांड, 2019 के लिए 800, 2018 के लिए 1100, 2017 के लिए 1050, 2016 के लिए भी आपके पास में डेटा अवेलेबल है 900। लाइक ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस एग्जांपल की मदद से शायद हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से टाइम सीरीज यहाँ पर फोरकास्टिंग करने में मदद करती है। तो जो पहला मेथड है वो सिंपल सा ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एवरेज लेना है फोरकास्टिंग फॉर 2021। तो पहला मेथड ये बोलता है कि आप यहाँ पर 900 प्लस 1050 प्लस 1100 1100 प्लस 800 प्लस
1000 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में जो भी मीन वैल्यू आएगा हम लोग उस बेसिस पर फोरकास्टिंग करेंगे। जो दूसरा मेथड इसके अंदर हमें बताया गया था वो था मूविंग एवरेज मेथड। वो क्या बोल रहा है कि एन पीरियड मूविंग एवरेज मेथड की अगर आप बात कर रहे हो तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा एन पीरियड। लाइक अगर आप बात करते हो 3 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, तो जो रिसेंट हमारे पास में, जो रिसेंट हमारे पास में 3 डेटा अवेलेबल है उनकी मदद से हम लोग यहाँ पर 2021 के लिए फोरकास्टिंग करेंगे। जो 3 डेटा हमारे पास में रिसेंट है वो है 1000 प्लस 800 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से आप बता सकते हो कि बेसिकली जो फोरकास्टिंग है 2021 के लिए वो कितनी होने वाली है। जो 3 नंबर हमारे पास में मेथड है बेसिकली वो है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। अब इसके अंदर आपको वेट डिफाइन करना पड़ता है कि ये वेट किस तरीके से दिया जा रहा है। ये वेट किस तरीके से दिया जाता है, लाइक अगर आपके पास में फोर पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज मेथड आपको काम में लेना है, तो सबसे पहले 4 पीरियड के लिए आप यहां पर वेट डिफाइन करोगे कि ये वेट किस तरीके से दिया जा रहा है। तो ये वेट किस तरीके से दिया जाएगा, यहां पर जो वेट दिया जाता है वो दिया जाता है एन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन, एन माइनस टू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन एंड सो ऑन। तो बेसिकली एन इज इक्वल टू हमारे पास में 4 है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए हमारे पास में एन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 4। एंड समीशन ऑफ 4 हम लोग यहां पर देख सकते हैं कितना आने वाला हमारे पास में 4, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं ये आएगा 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10। तो फाइनली यहां पर जो वेट हमारे पास में आ रहा है 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। तो यहां से आप बता सकते हो फोरकास्टिंग अगर आपको यहां पर करनी है 2021 के लिए तो ये फोरकास्टिंग दी जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय जो सबसे रिसेंट डेटा है उसको यहां पर हाईएस्ट वेट दिया जाता है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 800 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1050। और यहां से कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं 2021 के लिए फोरकास्टिंग कितनी होनी चाहिए। अब आता है 4 नंबर मेथड जिसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर जो फोरकास्टिंग दी जाती है वो दी जाती है एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा डी टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1। बेसिकली ये हमारे पास में फोरकास्टिंग है एफ टी के लिए। ये अल्फा यहाँ पर स्मूथनिंग कांस्टेंट है, ये जो अल्फा में दिया गया है ये स्मूथनिंग कांस्टेंट है जो कि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए आप फोरकास्टिंग की बात करोगे तो एफ टी लाइक एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड के लिए आपको एफ टी माइनस अवेलेबल होना चाहिए और अल्फा की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, तो फाइनली आप यहां से फोरकास्टिंग कर सकते हो। लेट अस सपोज अगर मैं मान लेता हूं ऐसी कंडीशन में एफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू 950 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.1, तो आप मेंशन कर सकते हो फोरकास्टिंग फॉर 2021 इज इक्वल टू 950 प्लस 0.1 और जो डिमांड है, डिमांड कितनी है यहाँ पर 1000 माइनस 950। फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि जो फोरकास्टिंग है वो बेसिकली कितनी होने वाली है। तो आप बता सकते हो कि ये जो फोरकास्टिंग दी जा रही है यहाँ पर नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड की मदद से, तो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड की मदद से जो फोरकास्टिंग दी जा रही है, इस फोरकास्टिंग में आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि आपके पास में एक तो पुराने, जस्ट पुराने जो रिसेंट फोरकास्टिंग है वो अवेलेबल होनी चाहिए और साथ में जस्ट आपके पास में जो रिसेंट डिमांड है वो अवेलेबल होनी चाहिए और ये अल्फा अवेलेबल होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये 3 चीजें आपके पास में अवेलेबल है तो आप यहां पर बता सकते हो कि फोरकास्टिंग किस तरीके से की जाएगी। तो फोरकास्टिंग के लिए मेजरली जो इंपॉर्टेंट मेथड है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो 4 नंबर मेथड है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहां से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमसे पूछा जा सकता है बेसिकली वो है फोरकास्टिंग एरर के बारे में। तो फोरकास्टिंग एरर के बारे में भी हमसे एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें फोरकास्टिंग एरर के बारे में तो जो सबसे पहले हम लोग यहां पर फोरकास्टिंग एरर की बात करेंगे तो उसे बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो जो पहली एरर यहां पर अगर मैं बात करूं फोरकास्टिंग एरर, तो इस फोरकास्टिंग एरर में जो फर्स्ट एरर यहां पर दी जाती है वो है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। बेसिकली मीन एब्सोल्यूट डेविएशन दिया जाता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और यहां पर दिया जाएगा डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय एन। मतलब इसके लिए आपके पास में जितनी भी डिमांड है,
जितनी भी डिमांड आपके पास में दी गई है वो डिमांड आपको कंसिडर करनी है, और जो फोरकास्टिंग आपने कैलकुलेट की है उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उनका मॉड्यूलस लिया जा रहा है। तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आप अपने फोरकास्ट से कितना डेविएट हुए हो, एग्जैक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर आप दो नंबर की बात करो तो बेसिकली उसे बोला जाता है मीन फोरकास्ट एरर। अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और यहां पर लिया जाएगा डी आई माइनस एफ आई। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बताएगा कि आपने कितना ओवर फोरकास्ट किया और कितना अंडर फोरकास्ट किया है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहां पर कंसिडर करें फोरकास्ट एरर के अंदर जो तीन नंबर पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, बेसिकली तीन नंबर पॉइंट होता है मीन स्क्वायर एरर, और ये मीन स्क्वायर एरर दिया जाता है आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई माइनस एफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फाइनली जो चार नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये चार नंबर आता है हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और ये मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर किस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाई डी आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एन। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलस का पार्ट है यहाँ पर लगाए या फिर 100 को इसके अंदर कंसिडर करें, कोई खास इफेक्ट इसके अंदर पड़ने वाला नहीं है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बताएगा मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को। तो ये चार हमारे पास में फोरकास्ट एरर है जो फोरकास्टिंग के अंदर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो कभी कभी ये रिजल्ट हमसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर फोरकास्टिंग के बाद में हम लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहें तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। बेसिकली एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लाइक वो हो सकता है हमारे पास में जेड मैक्स और जेड मिन। अगर हमारे पास में कॉस्ट रहेगी तो डेफिनेटली उसे मिनिमाइज किया जाएगा, और अगर हमारे पास में प्रॉफिट रहेगा तो उसे मैक्सिमाइज किया जाएगा। दूसरा जो पार्ट आता है, ये पहला पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है बेसिकली वो होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं और वो कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनको किस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हमें चेक करना है। और जो तीसरा पार्ट आता है बेसिकली वो होती है हमारे पास में नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, क्योंकि जनरली हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोग वेरिएबल कंसिडर करते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग कंसिडर करते हैं। तो तीन पार्ट में यहाँ पर रखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और तीसरा पार्ट आता है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं ग्राफिकल मेथड। बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड से, बिग एम मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड बेसिकली क्या होता है। इस ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, लेट अस सपोज अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया जेड मैक्स और जेड मिन, और यहां पर हम लोग उन दो वेरिएबल्स की बात करें जिसमें पहला वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, और यहां पर अगर आप सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लाइक रेस्ट्रिक्शंस को ड्रॉ करके एक फिजिबल रीजन यहां पर पता कर लेते हो, लाइक कुछ इस तरीके से आपके पास में अगर ये एक फिजिबल रीजन आ रहा है तो आप देखोगे कि यहां पर पहला पॉइंट आपको मिल रहा है ए, दूसरा पॉइंट मिल रहा है बी, तीसरा पॉइंट आपको मिल रहा है सी, और फोर्थ पॉइंट आपको मिल रहा है डी। तो आप यहां पर जेड मैक्स और मिन जो भी हमसे पूछा गया और उस पर्टिकुलर पॉइंट ए बी सी डी उसे पुट करके यहां पर चेक करोगे और वही हमारा क्या होने वाला है यहां पर ऑप्टिमम आंसर, वही हमारा क्या होने वाला है यहां पर ऑप्टिमम आंसर। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर ये सब सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो एग्जाम के अंदर ये स्पेसिफिक केसेस हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं केस नंबर 1, लेट अस सपोज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ऐसी कंडीशन में कुछ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं और वो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जब आपने ड्रॉ किए तो यहाँ पर जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ओवरऑल आपने देखा x, y वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फिजिबल रीजन तो हमें मिल रहा है यहाँ पर लेकिन वो किसी भी कंडीशन में बाउंडेड नहीं है, तो इस तरीके का जो रिजल्ट होता है उसे बोला जाता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इस तरह के स्पेसिफिक केस हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप बात करोगे केस नंबर टू के अंदर अगर मैं बोल देता हूँ इसी तरीके से, अगर हमारे पास में एक और प्रॉब्लम दी गई हो जिसके अंदर पहला सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जब मैंने ड्रॉ किया तो ये फिजिबल रीजन आ रहा है,
दूसरा अगर मैं देख रहा हूँ तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ रहा है, ये रीजन आ रहा है जो क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों का कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा, और जहां पर कॉमन रीजन नहीं मिलता तो मैं बोलता हूँ कोई फिजिबल रीजन भी नहीं मिल रहा। ऐसी कंडीशन में बोला जा सकता है कि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और पॉइंट, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनफिजिबल सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ और अनबाउंडेड सॉल्यूशन के अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक और केस हो सकता है। लाइक आपने इस तरीके से ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पता किए होंगे, और उन पॉइंट्स को जैसे आपने जेड के अंदर पुट किया होगा, आपने देखा होगा पर्टिकुलर दो वैल्यूज के ऊपर ऑप्टिमम आंसर मिल रहा है और वो सेम मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसे मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन की कैटेगरी में मान सकते हो। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। एसएससी जेएन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, सॉल्व नहीं करवाएगा। अदरवाइज ग्राफिकल सॉल्यूशन या फिर बात करें सिंप्लेक्स मेथड, काफी बड़े मेथड्स होते हैं, काफी कन्वेंशनल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक अप्रोच देखने के लिए किस तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर इनसे पॉइंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर, तो हमें इनके अंदर काम में ली जाने वाली टेक्निक्स को, उन मेथड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, तो किस तरीके से एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक बेसिक पॉइंट्स हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो बेसिकली एक छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बेसिकली इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हमें तीन वेयरहाउस दिए गए, वेयरहाउस वन, वेयरहाउस टू एंड वेयरहाउस थ्री। चार शोरूम दिए गए, शोरूम वन, शोरूम टू, शोरूम थ्री एंड शोरूम फोर। तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो, अगर तीन वेयरहाउस है चार शोरूम है, तो ये जो सेल्स यहाँ पर दी गई है ये क्या बता रहे हैं, ये सारे बेसिक पॉइंट है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। लाइक वेयरहाउस वन की जो कैपेसिटी होती है वो अगर 20 यहाँ पर है, वेयरहाउस टू की जो कैपेसिटी है वो 50, वेयरहाउस थ्री की जो कैपेसिटी है वो 30, शोरूम वन की जो डिमांड है वो 10, टू के लिए 20, इसके लिए 30 और यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो सेल्स है, लाइक यहाँ पर अगर लिखा गया वन, तो मैं बोल सकता हूँ वेयरहाउस वन से अगर शोरूम वन पर एक यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसकी वजह से मैं भी वन टोटल कॉस्ट को बता रहा हूँ, मैं भी प्रॉफिट को बता रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन मे बी आइदर मैक्सिमाइजेशन टाइप और मे बी आइदर मिनिमाइजेशन टाइप। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये कॉस्ट है तो मिनिमाइज किया जाएगा, अगर ये प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज किया जाएगा। पहले मैं मिनिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब मिनिमाइजेशन की बात की जाएगी तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉस्ट को। तो ऐसी कंडीशन में इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले चेक करते हो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो टोटल हमारे पास में अवेलेबिलिटी है ये कितनी है, तो ये टोटल 100 आ रही है। टोटल जो डिमांड है वो कितनी आ रही है, वो भी 100 आ रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपके पास में डिमांड is equal to supply है, और demand is equal to supply अगर हमारे पास में आती है तो basically हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक balanced transportation problem है। Next point अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि demand greater than यहाँ पर supply हो सकता है, कि demand जो है हमारे पास में supply से ज़्यादा है। Let us suppose अगर इनका sum 100 आ रहा है हमारे पास में, ये सप्लाई हो गई हमारे पास में अवेलेबिलिटी, और डिमांड आ रहा 110, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सप्लाई कम है तो एक वेयर हाउस, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एड अ डमी वेयर हाउस। तो हमें यहाँ पर एक डमी वेयर हाउस एड करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो डिमांड आ रही है वो लेस देन सप्लाई अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एड अ डमी शोरूम। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहां पर अनबैलेंस्ड है तो ऐसे कंडीशन में आप डमी शोरूम या डमी वेयरहाउस यहां पर लाइक डमी रो और डमी कॉलम यहां पर ऐड करके उसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सॉल्यूशन, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं बात करूंगा फॉर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, किसके लिए, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए आपके पास में कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। तो पहला मेथड आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा जो मेथड आता है वो आता है हमारे पास में
रो मिनिमा मेथड। तीसरा जो मेथड आपके पास में आएगा बेसिकली उसे बोला जाएगा कॉलम मिनिमा मेथड। और फोर्थ जो मेथड इसके पास में आता है बेसिकली उसे बोला जाता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसे मैं बोलता हूं यहां पर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। पांच नंबर जो मेथड आता है हमारे पास में उसे बोला जाता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये पांच मेथड हमारे पास में है, लेकिन ये पांचों के पांचों मेथड सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। एक और मेथड होता है जिसे बोला जाता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बेसिकली हम लोग उसे बोलते हैं मोदी मेथड। ये मोदी मेथड सिर्फ ऑप्टिमलिटी चेक करने के काम आता है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एसएससी के अंदर अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल तो उसका वेटेज ही नहीं है। लाइक एक क्वेश्चन बहुत रेयर हमें देखने को मिल जाता है, तो वो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो इन बेसिक पॉइंट से हमसे पूछा जाता है। हमें ध्यान में रखना है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कौन देता है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम लोग किस मेथड की मदद से करते हैं। अब ये मिनिमाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमाइजेशन तो बेसिकली मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, इस कंप्लीट मैट्रिक्स में से जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर होता है उसको सेलेक्ट करके बाकी सारे नंबर उसमें से माइनस करके इस मिनिमाइजेशन उस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। अगेन मैं फिर से कहूंगा कि एसएससी के एग्जाम के अंदर हमसे सॉल्व तो करवाएगा नहीं, तो बेसिकली मेथड के नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग पढ़ते हैं फॉर असाइनमेंट मॉडल। अच्छा, असाइनमेंट मॉडल से पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक और चीज मैं बताऊंगा, जब आप यहाँ पर अलोकेशन करने वाले हो तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन उसे तभी बोला जाएगा जब नंबर ऑफ अलोकेशन हमारे पास में कितने होने चाहिए, m प्लस n माइनस 1। मिनिमम इतने अलोकेशन आपके पास में होने चाहिए, या m और n नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। मिनिमम इतने अलोकेशन होने चाहिए तभी आप उसको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बताओगे। अगर नंबर ऑफ अलोकेशन इससे कम है तो बेसिकली उसे एक डीजनरेट प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान में रखना है। लाइक इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम होती है, एक और मॉडल होता है जिसे बोला जाता है असाइनमेंट मॉडल। असाइनमेंट मॉडल हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास में एन जॉब्स एन ऑपरेशंस अवेलेबल है और एन मशीन्स भी अवेलेबल है, तो किस जॉब को किस मशीन पर हम लोगों को असाइन करना चाहिए जिससे टोटल टाइम या टोटल कॉस्ट हमारे लिए क्या होती हो, मिनिमम होती हो। बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग असाइनमेंट मॉडल की मदद से सॉल्व करते हैं। और इस असाइनमेंट मॉडल के लिए हम लोग जिस मेथड को काम में लेते हैं उसे बोला जाता है हंगेरियन मेथड। तो ये कुछ मेथड्स है, अगर इनको हम लोग याद रखेंगे तो एग्जाम के अंदर हम लोग इन चीज़ों को डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर वो है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें क्यूइंग थ्योरी कहाँ काम में ली जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूइंग थ्योरी की मदद से हम लोग वेटिंग टाइम और सर्विस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग वेटिंग टाइम से एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट होती है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, लाइक लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अराइवल, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है अराइवल रेट को। अगर हम लोग बात करें लैम्डा तो बेसिकली ये फॉलो करता है यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें म्यू, बेसिकली म्यू रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर सर्विस रेट को, और ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाला है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग अराइवल रेट का मतलब मेरे ख्याल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि कस्टमर किस रेट से आ रहे हैं और सर्विस किस रेट से हो रही है, वो म्यू रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है सर्विस रूल। सर्विस रूल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सर्विस रूल, तो सर्विस रूल हमारे पास में कौन कौन से अवेलेबल है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे लास्ट में आएगा उसे पहले सर्विस मिलेगी, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, एंड लास्ट इज प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास में टोटल चार सर्विस रूल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जा सकता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल, ए बी सी डी ई एफ। कुछ इस तरीके से एक क्यूइंग मॉडल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर जो स्मॉल ए है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है अराइवल रेट को, या बोल सकते हैं कि अराइवल पैटर्न को। जो स्मॉल बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सर्विस पैटर्न को। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सर्वर को। जो स्मॉल सी है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर नंबर ऑफ सर्वर को। अगर मैं बात करूँ स्मॉल डी,
तो बेसिकली ये जो स्मॉल डी हमारे पास में है, ये स्मॉल डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ सर्विस को। अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखा जाए ई एंड एफ, तो यहाँ पर ई रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी ऑफ सिस्टम को, और लास्ट जो आ रहा है एफ वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमें कैपेसिटी ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन को। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्यूइंग मॉडल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ M M1, तो ये जो ए और बी है यहाँ पर सर्विस रूल या फिर बोल सकते हैं सर्विस पैटर्न और अराइवल पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग काम में लेते हैं उसमें मार्कोवियन डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्लेंजन डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अराइवल पैटर्न को बता रहा हूँ, मार्कोवियन डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर ये होगा एक सर्वर। अगर इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं और यहाँ पर बोल दिया जाए फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोल सकते हैं, और एन एन मतलब ये भी हमारे पास में फाइनाइट है कैपेसिटी, और कॉलिंग पॉपुलेशन की कैपेसिटी भी कैसी है हमारे पास में फाइनाइट। जस्ट एक रैंडम एग्जांपल यहाँ पर बताने की कोशिश की गई किस तरीके से इसे रीड किया जाएगा। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हम लोग बात करें, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल बहुत बार एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो आता है रो, जिसे बोला जा रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली दिया जा रहा है यहाँ पर लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अराइवल रेट को, और म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सर्विस रेट को। अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मतलब जो अराइवल रेट है वो सर्विस रेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जनरली जब भी हम लोग बात करेंगे एक अच्छे सिस्टम के, लाइक इसे लेस देन इक्वल टू वन रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लेस देन वन पर ही बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी टू बी सिस्टम आइडलर, मतलब अगर सिस्टम हमारा बिल्कुल ब्लैंक है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो बेसिकली इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दी जाती है 1 - रो। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर, एग्जैक्टली एन कस्टमर इन द सिस्टम, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी दी जाती है हमारे पास में रो एन पी नॉट, पी नॉट इज 1 - रो। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में लेंथ ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर है, बेसिकली ये दिया जा रहा है 1 - रो। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए लेंथ ऑफ क्यू, लाइक क्यू के अंदर कितने कस्टमर है, तो ये दिया जाता है 1 - रो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेसिकली उसे बोला जाता है लिटिल्स लॉ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लिटिल्स लॉ, तो लिटिल्स लॉ ने यहाँ पर टाइम और लेंथ के बीच में, कस्टमर के बीच में एक रिलेशन बताया। बेसिकली उसने बोला कि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ सिस्टम है वो यहाँ पर इक्वल होने वाला म्यू वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, सॉरी लैम्डा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। इसका मतलब उसने क्या बोला कि यहाँ पर अगर हम लोग इस LS से डिवाइड कर दे लैम्डा, तो ये वेटिंग टाइम को बताएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर वेटिंग टाइम इन द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज अराइवल रेट, तो डेफिनेटली किसे बताएगा यहां पर लेंथ ऑफ सिस्टम। इसी तरीके से अगर लेंथ ऑफ क्यू की बात हो रही है तो वो भी डेफिनेटली लैम्डा WQ, वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो बेसिकली इन दोनों रिजल्ट की मदद से आप वेटिंग टाइम भी सिस्टम के अंदर बता सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के SSC JEE में आने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि हमको पता है कि SSC JEE के अंदर ये पॉइंट्स अभी तक तो पूछे गए नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर चांस, मैंने जैसे वीडियो के बीच में भी बहुत बार ये बात तुम्हें बताई है कि बहुत रेयर चांस होते हैं, इसलिए हम लोगों ने सेलेक्टिवली पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए। कंप्लीट डिटेल में किसी भी चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं किया, लाइक हर एक चैप्टर से 5 या 6 पॉइंट सेलेक्ट किए जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इससे ना तो हमारा टाइम खराब होगा, ना ही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इन पॉइंट से कोई पॉइंट हमसे एग्जाम से पूछ लिया जाए तो ना ही हमारा क्वेश्चन पर रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे कंसीडर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।